रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में इसी जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन की सेना ने एक रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना ने वीडियो जारी करते हुए ये बड़ा दावा किया है, ये वही हेलीकॉप्टर है जो कि लगातार हवाई हमले करते हुए रूस की सेना पर, रूस की जनता पर नजर आ रहा था और इसी हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर और बड़ा दावा जो कि यूक्रेन की सेना की तरफ से किया गया। पर मंडराते पुतिन काल का खतरा, रूस यूक्रेन युद्ध की आंखों देखी, क्या महायुद्ध होकर रहेगा? यूक्रेन बॉर्डर से मेरे साथ नजदीक पहुंचने की खबरों से यूक्रेन की राजधानी कीव में दहशत का आलम है। लोगों ने वहां से जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। कभी भी हमले की जद में आने के खौफ से लोगों ने रेलवे स्टेशनों का रुख किया, जिसकी वजह से कई स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। वहां लोग ट्रेन आने के इंतजार में घंटों खड़े रहे। उनमें कुछ लोग इस तरह गले मिलकर फूट फूट कर रोते दिखाई दिए, मानो उन्हें लग रहा हो कि ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर रुकने के कुछ ही देर बाद उसमें लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं बची। ऐसे में कुछ लोग ट्रेन की सीढ़ियों पर ही बैठने को मजबूर हो गए, जबकि कुछ लोग ट्रेन में जगह नहीं मिलने से मायूस नजर आए। वहीं जिन्हें अपनी मंजिल पर जाने के लिए ट्रेन में जगह मिल पाई, वो कीव छोड़कर अपने सामान के साथ वहां से रवाना हो गए। उधर रूस ने यूक्रेन के चर्निव शहर में एयर स्ट्राइक की, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। वहां एक साथ कई जगहों पर हुई बमबारी में करीब 50 लोग मारे गए और इन हमलों से चर्निव शहर के कई इलाके पूरी तरह बर्बाद हो गए। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि रूसी विमानों के इन ताबड़तोड़ हमलों की वजह से कई लोगों की मौत हो गई। सड़कों पर जहां तहां लोगों के शव दिखाई दिए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। यही नहीं, रूसी विमानों ने कई रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। कुछ मकान तो हमले के कई घंटों बाद भी आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए। शहर में जगह जगह मलबे का अंबार नजर आया। इस बीच वहां राहत और बचाव का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसके तहत ऊंची इमारतों में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन की मदद ली गई और फिर उन लोगों को नीचे उतार कर तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। वहीं दमकल कर्मी आग बुझाने के काम में जुटे रहे। वहीं रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों के बाद भी यूक्रेन की सेना जमीन पर लगातार डटी है। राजधानी कीव और उसके आसपास के शहरों पर मिसाइलों, बमों और टैंकों से हमले हो रहे हैं, तो कुछ इलाकों में यूक्रेन के सैनिक उन्हें धूल भी चटा रहे हैं, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की सेना ने जारी की, जिनमें एक तस्वीर कीव के पास के एक इलाके की है। दावा है कि जब रूस की सेना वहां टैंकों के साथ कब्जे के लिए पहुंची, तो यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला बोल दिया, जिसमें टैंक पर सवार रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का ये सिलसिला मिकोलाइव शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों पर यूक्रेन के सैनिक भारी पड़े, क्योंकि मिकोलाइव शहर की सड़क पर जब सीधी लड़ाई हुई तो रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, उन्होंने जान बचाने के लिए अपनी गाड़ियों और टैंकों को छोड़कर वहां से भागने में ही भलाई समझी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उन सभी गाड़ियों और टैंकों को जब्त कर लिया और फिर उनमें आग लगा दी गई। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दावा किया कि उसने बस में सवार रूस के कई सैनिकों को पकड़ लिया है। सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें भी जारी की गईं, जिनमें कुछ सैनिक बंधक बने नजर आए। जवाबी हमलों के बीच बुचा शहर के मेयर ने रूस के जलते टैंकों के सामने खड़े होकर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए सेना और अपने नागरिकों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 9 दिन से